Come on.
इतना फूल और पत्ते बांध भी आया तो कौन सी परेशानी हो गई मां? तुम्हारा गंधारी बताती है कि दुर्योधन, अरे आंख खोल देख, सर के ऊपर आसमान ढह गया, फूल और पत्ते बांधन से तो बेड़ा गंधारी का बह गया, तेरा सारा तन बज्जर का, पर तू जांगों पे से कच्चा रह गया। बेटे फूल और पत्ते बांधने का ये नुकसान हुआ है कि तूने अपने तन के ऊपर जहां पर ये फूल और पत्ते बांध रखे थे, तेरा शरीर वहीं से मानव शरीर रह गया, कच्चा रह गया है, और ना फिर तेरा पूरा ये शरीर बज्र बन चुका है। अगर तू युधिष्ठिर की बात मान करके बिल्कुल नंगा होकर के निर्वस्त्र होकर के ही आता तो तेरा पूरा शरीर बज्र बन जाता। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब युधिष्ठिर ने तुझे नग्न अवस्था में आने के लिए कहा था तो तूने ये पत्ते और फूल क्यों बांध लिए? बस इस बात का कारण बता दे दुर्योधन। माँ मुझे, क्योंकि जैसा युधिष्ठिर ने कहा था मैंने वैसा भी माना, और जैसा मुझे आपने कहा था मैं आपकी भी बात मान करके युधिष्ठिर के पास में गया। लेकिन जानना चाहती हो कि क्या बात हुई? क्या हुई? अरे जैसा ते बताया रे वैसा को महसूस कर गया। अच्छा। खुली नहीं गांठ लग रही, क्या भरम को महसूस कह गया? क्यों क्यों? मैं बता रहा हूं क्यों। बता। अरे जैसा ते बताया रे वैसा भरम को महसूस कर गया, खुली नहीं गांठ लग रही। हाँ। भरम को महसूस कर गया, कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर गया, कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर गया। होनी होकर रहे जगत में कहने ने सवाल बन जा, लड्डन सिंह कह समझण खातर अपना अपना ख्याल बन जा, मन चाही न होती राज बल हर चाही तत्काल बन जा, मन चाही न होती राज बल हर चाही तत्काल सदा करता वो आपे।